हेल्प अर्जेंटली। अरे मोहिनी ने ये मैसेज क्यों किया है? हाँ मोहिनी, क्या हुआ बता। यार मुझे अर्जेंटली 50,000 रुपए चाहिए। क्या हुआ, ऑल ओके? मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, प्लीज मुझे 50,000 रुपए भेज दे। ये सब कैसे हुआ? बाद में बताती हूँ, अभी बहुत अर्जेंटली पैसे चाहिए, प्लीज भेज दे। यार मुझे लगता है मुझे मोहिनी से एक बार बात कर लेनी चाहिए, ज्यादा जरूरत हुई तो मैं हॉस्पिटल भी चली जाऊंगी। मोहिनी फोन क्यों नहीं उठा रही यार? सॉरी प्रगति, अभी बात नहीं कर सकती, बहुत बिजी हूँ, हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं कर रहे मम्मी को। यार मेरे पास 50,000 तो नहीं है, 30,000 के आसपास होंगे, मैं तुझे भेज देती हूँ। हाँ यार जो भी है प्लीज कर दे। ठीक है मैं तेरे को UPI करती हूँ। सुन यार मेरे नंबर पे UPI नहीं चल रहा, मैं तेरे को अपने एक फ्रेंड का नंबर दे रही हूँ, उस पे कर दे। अच्छा चल ठीक है। एक सेकेंड, मुझे एक बार इसे नॉर्मल कॉल करना चाहिए, व्हाट्सएप नहीं। हेलो। हाँ मोहिनी, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे वो सॉरी यार, फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था और साइलेंट भी था। अच्छा अब तेरी मम्मी की तबीयत कैसी है और क्या बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले? मम्मी हॉस्पिटल क्या कह रही है? अरे तेरा ही तो मैसेज आया था कि तेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और तुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। तू पागल हो गई है, मैंने तुझे कब मैसेज किया? पता नहीं क्या बकवास कर जा रही है, और मम्मी तो बिल्कुल ठीक है, घर पे ही है। तू एक बार अपना व्हाट्सएप खुद चेक कर ले। अच्छा एक मिनट रुक। यार मेरा व्हाट्सएप तो लॉक्ड आउट है। क्या? हाँ पता नहीं कैसे। यार मोहिनी मुझे लगता है शायद तेरा व्हाट्सएप ना हैक हो गया है। क्या व्हाट्सएप हैक हो गया है? मतलब कैसे? अच्छा सुन, तेरे पास कोई कॉल या मैसेज आया था जिस पर वो कोई OTP या कोई कोड मांग रहा हो? हाँ थोड़ी देर पहले एक कॉल तो आया था। हेलो। हेलो मैम, मैं कोविड वैक्सीनेशन टीम से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मैम आपको तो पता ही होगा कि कोरोना वैक्सीन के लिए बूस्टर डोज लग रही है। जी। तो मैम क्या आप उसके लिए एनरोलमेंट करवाना चाहती हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो मैम आपके फ़ोन पे एक OTP आया होगा, बस आप वो बता दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके एक सेकेंड बताती। हेलो, इट्स 5434। देख मोहिनी, ये जो कोई भी है ये औरों को भी मैसेज कर रहा होगा। तू एक काम कर, तू अपना व्हाट्सएप लॉगिन कर ले और अपना अकाउंट भी रिट्राइव कर ले। थैंक यू सो मच यार, तूने मुझे टाइम से बता दिया, मैं अभी व्हाट्सएप लॉगिन कर लेती हूँ। तू रुक, मैं अभी से मजा चखा दिया। ठीक है ठीक है। हाँ मोहिनी, भेज दिए मैंने पैसे। पर पैसे तो आए नहीं है अब तक। पूरे 50,000 भेजे हैं मैंने, करा लियो अपनी मम्मी का इलाज। क्या मजाक कर रही है प्रगति, कोई पैसे नहीं आया मेरे पास। मजाक मैं नहीं तू कर रहा है समझा, मुझे पता चल गया है कि तूने OTP लेकर मोहिनी का व्हाट्सएप हैक किया है। ये मैंने उसे बता दिया है और वो अपना अकाउंट भी रिट्राइव कर रही है। तुझे क्या लगता है, तू किसी का भी व्हाट्सएप हैक करके बच जाएगा? मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करूंगी ताकि और लोगों को पता चले तेरे जैसे लोगों के बारे में।
अगर आपके पास कभी भी किसी रिलेटिव या फ्रेंड का मैसेज आता है कि उनको पैसे चाहिए, तो व्हाट्सएप कॉल ना करके नॉर्मल कॉल करके चेक करें कि उन्होंने ही पैसे मांगे हैं कि नहीं, बिकॉज व्हाट्सएप कैन बी हैक टू। ये व्हाट्सएप कैसे हैक करते हैं स्कैमर्स? मान लीजिए कि आपका नंबर मेरे पास है, तो मैं अपने व्हाट्सएप में आपका नंबर डालूंगा और आपके पास एक ओटीपी आएगा। अगर आपने वो ओटीपी मुझे दे दिया तो आपका व्हाट्सएप मेरे फोन में चलने लगेगा और मैं फिर किसी भी कॉन्टैक्ट को मैसेज करके स्कैम कर सकता हूँ। तो कभी भी आपके पास ऐसा कोई भी व्हाट्सएप है जिसमें पैसे मांग रहा है, तो तुरंत उनको पैसे ना दीजिए बिना चेक करे, बिकॉज योर सेफ्टी इज इन योर हैंड्स। सो ऑलवेज बी अवेयर। आई सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। हम ऐसी अवेयरनेस सेशंस बनाते रहेंगे, और अगर आपके साथ कभी कोई स्कैम हुआ है या आप किसी को जानते हैं जिसके साथ स्कैम हुआ हो, तो आप ये स्कैम सेवियर्स नाम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस ग्रुप में स्कैम्स के बारे में पोस्ट कर सकते हैं ताकि और भी लोगों को उस स्कैम के बारे में पता चल सके। सो सी यू इन द ग्रुप। थैंक यू।